प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार के जहानाबाद में एक पुलिसकर्मी को बाइक रुकवाना भारी पड़ गया। इससे नाराज युवक ने पुलिसकर्मी को सड़क पर पटक पटक कर पीटा। जहानाबाद के दरधा नदी पुल पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां पहुंचे एक युवक को पुलिसकर्मी ने रोका, जिससे युवक ने अपना आपा खो दिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से युवक के चंगुल से पुलिसकर्मी को छुड़वाया। अफरा तफरी के बीच युवक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और थाने में लेकर आ गई। पुलिसकर्मियों का कहना है कि मारपीट मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मारपीट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के मतगणना को लेकर शहर में अधिक भीड़ हो गई थी, इसीलिए पुलिस प्रशासन सड़क पर किसी को भी वाहन लगाने की अनुमति नहीं दे रही थी। इसी दौरान जब सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल को हटाने के लिए कहा गया तो युवक ने मारपीट शुरू कर दिया। इस घटना से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम भी लग गया। हालांकि बड़ी बात यह है कि पुलिस युवक की तलाश करने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह से सरेआम पुलिस पर हमला किया गया उसने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज सुबह से ही जाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, नॉमिनेशन का भीड़ है और उधर काउंटिंग चल रहा है। काउंटिंग में जो विजयी हो रहे हैं उनके समर्थकों का भीड़ है। ऊपर से आज भारी बरसा हुआ है जिसके कारण भी दरधा पुल पर जाम ज़्यादा लग रहा है। ऐसे में मेरा सिपाही काफ़ी मेहनत से ड्यूटी कर रहा था, वैसा में एक मोटरसाइकिल वाले आके रोड पर मोटरसाइकिल लगा दिए जिससे जाम लगने लगा। मेरे ट्रैफिक का सिपाही उनको मोटरसाइकिल हटाने के लिए बोला तो काफ़ी ताव में थे, सिपाही के साथ हाथापाई करने लगे, उसको उठा के वहाँ पर पटक दिए। फिर हमको जैसे ही जानकारी मिला आके हम मोटरसाइकिल को तो पकड़ लिए हैं, लेकिन वो लड़का भाग गया। मोटरसाइकिल को टाउन थाना के हवाले कर दिया गया है और उस पर हम लोग इंस्पेक्टर साहब को बोलेंगे कि आगे का कार्रवाई किया जाए। व्यक्ति को हम देख नहीं पाए, सिपाही बताया कि वो भाग गया, लेकिन आसपास के कुछ लोग सहयोग किए मोटरसाइकिल को पकड़ने में, तो उसको टाउन थाना के हवाले कर दिया गया है। उस पर FIR करवाएंगे, टाउन थाना के इंस्पेक्टर साहब को बोल करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।